मैडम सबसे पहले तो आपको शुक्रिया है जिस तरह से आप जीते हैं, बधाई है। किस तरह से महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी रहा है, जीत के प्रचंड बहुमत मिला है यूपी में, किस तरह से देखते हैं महिलाओं को? क्या महिलाओं की बहुत भागीदारी रही है और हम समझते हैं कि हमें वोट भी ज़्यादातर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया जिसकी वजह से हम जीते, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था, आज 25 सालों से जड़ जमा चुका था, लेकिन जनता ने इतना स्नेह दिया और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका है और हमको यहाँ पे स्थान दिया। आगे का क्या महिलाओं को कैबिनेट में जिस तरह से महिलाओं को यहाँ लिया गया, कैबिनेट में क्या संभावना बनती है महिलाओं को लिया जाएगा या उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? महिलाओं की जिम्मेदारी तो मिलनी चाहिए, वो कर्तव्यनिष्ठ भी होती हैं, वैसे सभी हैं कर्तव्यनिष्ठ और आप देखिए कि महिलाओं को जगह मिले, स्थान मिले और संख्या मिले, ये भी ध्यान रखिए। यूपी हमेशा पूरा उत्तर प्रदेश हमारे पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर में चर्चित रहा और निशाने पे रहा, तो ये एक बड़ा आपके लिए बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी, कैसे निपटने का क्या काम? महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उनका नारा है, तो उसके लिए जो है महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान देना आवश्यक है और दिया जाएगा।